यार भाई साहब कैसी बस है यार, ऐसी मतलब आजकल के लोंडे गाड़ी नहीं चला पाते, मतलब ऐसा ड्राइवर। भाई साहब आज अपना कोलकाता के अंदर पहला दिन है और ये है मेरे पीछे बंगाली मार्केट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी लोग रहते हैं, बांग्लादेश से आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। हर चीज़ की वो अलग बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो के अंदर, लेकिन बांग्लादेश के अंदर आने के बाद में, एक्चुअली कोलकाता के अंदर आने के बाद में, और बंगाली लैंग्वेज के अंदर अगर मैं ना बोलूँ तो मतलब मज़ा नहीं आया। नमस्कार, मोरा नाम जोईद, यार बहुत मुश्किल लैंग्वेज है लेकिन बहुत स्वीट है। एक चीज़ मैंने देखी है कि हर एक वर्ड के अंदर यहाँ पे ओ लगाया जाता है, ऑरेंज वाला ओ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको वो लगाना आ गया उस टोन के अंदर तो आप बंगाली सीखे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं RBI म्यूज़ियम के अंदर। RBI म्यूज़ियम का अगर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊं, तो जब इंडिया के अंदर सिक्के स्टार्ट हुए चलने या बनाने, जब नोट स्टार्ट हुए, पूरे मनी का जो सर्कुलेशन है वो पूरे उस RBI म्यूज़ियम के अंदर है। कैसे इंडिया के अंदर सिक्के आए, कैसे नोट आए, कैसे बने, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी बस पकड़नी है और 10 मिनट का रास्ता है। यार ब्रेकफास्ट नहीं किया यार मैंने, तो रास्ते में कहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। और सुबह सुबह लोग देखो, यहाँ पे भीड़ देखो कितनी है। और कोलकाता की एक ख़ास बात है कि सुबह सुबह 9 बजे कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, मतलब लोग हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोलकाता अपना रंग दिखाता है, मतलब शाम को भाई साहब पूछो मत, इतनी रौनकें, इतना मेला, मैं कह रहा हूँ। लेकिन पहले RBI, लस्सी, नमकीन, मीठा नमकीन चाहिए यार, मिल जाएगी? क्या बात कर रहे हो यार, मेरा ना तुम्हें चुम्मी देने का मन कर रहा है। यार नमकीन मतलब लस्सी यार मीठी है थोड़ी, यार थोड़ी सी मीठी है, मतलब नमकीन लस्सी यहाँ पे मिलना एक टास्क है कोलकाता के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे मीठी चीज़ खाते हैं। मीठी चीज़ हर एक कोई भी चीज़ हो मीठा ज़्यादा पसंद करता है, मतलब ठीक है मीठी भी कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन नमकीन होती है ना, क्या बताऊँ, नमकीन लस्सी मतलब छोड़ो यार। और यहाँ पे मिनी बस चलती है, जैसे ये मिनी बस है, इस बस का क्या नाम है? नाकतला मिनी। अब जैसा आपको समझ में आया ना वैसे ही मुझे समझ में आया, तो अगर आपको आना है तो बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। बस वगैरह, टैक्सी वगैरह चलती है, बाइक वगैरह भी चलती है, लेकिन अगर आपको कोलकाता को अच्छे ढंग से अंदर से देखना है तो आपको पब्लिक के साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन है आपके पास बाइक वगैरह। Thank you.
अंदर वीडियो वगैरह बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत शाना भी बना, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। कहते कि सर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अंदर गोल्ड के, सिल्वर के और बहुत से पुराने पुराने कॉइंस हैं। अपने इंडिया के छोड़ो, बाहर कंट्रीज के भी बहुत सारे पुराने कॉइंस हैं, फर्स्ट सेंचुरी से भी पहले के। मतलब देख के ना आँखें फटती है। और वहाँ पर आपको जितने भी सारे गोल्ड नज़र आ रहे हैं सब नकली, असली नहीं है, नकली गोल्ड है जितने भी बार से। लेकिन एक बार था जो गोल्ड का था, जो मैंने उठाया था, तकरीबन 12-13 किलो का था। तो बोल रहे थे कि यार बहुत, अगर आप ये उठाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि 50 किलो का उठा रहे हो। तो मैंने उठाया, थोड़ा सा उठा, लेकिन वो एक असली था। आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अपना इंडिया एक ऐसा देश था जिसने कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए, जिसने पैसे चलाने स्टार्ट किए। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे देश थे, लेकिन चुनिंदा, और उन्हीं चुनिंदा देशों के अंदर अपना इंडिया आता था तो कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए। लेकिन पहले बनते थे पंच्ड कॉइन, पंच्ड कॉइन जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि अगर कोई स्टैंप है, अगर जैसे मेरा चेहरा छापना है किसी नोट पे या किसी सिक्के पे, तो उसको गर्म करके किसी भी मेटल पे डाल देते थे, तो उसे पंच कॉइन बोलते थे। बिल्कुल हाथों से बनते थे, कोई मशीन वगैरह कुछ भी नहीं थी। चांद सितारे या कोई घोड़ा बना दिया, कुछ भी बना दिया छोटा मोटा, मतलब सिक्के चलाने थे। लेकिन पहली बार इंडो ग्रीक्स, अलेक्जेंडर वगैरह जब इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने अपने राजा की तस्वीर जो थी वो उस कॉइन पे छापी। ये है 2nd सेंचुरी के बाद, और उस टाइम अपने भारतीय वासियों ने पहली बार ऐसा सिक्का देखा जिस पे कुछ ना कुछ डेकोरेटिव कुछ बना हुआ है। और उसके बाद में बहुत सारे सिक्के आए, बहुत सारे सिक्के गए, बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई करेंसी के अंदर। कभी कैसा ही आ रहा है, कभी कैसा ही आ रहा है। लेकिन पहली बार जब अपने इंडिया के अंदर नोट छापे गए, तो यहीं कोलकाता के अंदर बैंक ऑफ बंगाल या कोलकाता बोल सकते हो, तो इसके अंदर 50 लाख रुपए रखे गए पहली बार। और ये 50 लाख रुपए, यानी कि 100 का भी नोट था, 250 का भी था, 500 का भी था, 10-50 के भी थे, लेकिन सबसे बड़ा जो नोट था वो था 10,000 का। मतलब 10,000 का भी नोट था पहले, 5,000 का भी था, मतलब सबसे बड़ा नोट 10,000 का। लेकिन वो थोड़ा टाइम चला, ज़्यादा टाइम चला नहीं। तो ये कुछ ऐसा, अगर कोलकाता आ रहे हो भाई साहब, ये मस्ट विजिट प्लेस है। ये म्यूज़ियम इंडिया का पहला ऐसा म्यूज़ियम है जिसके अंदर सारा कुछ इंडिया रखा हुआ है, इंडिया का निचोड़ रखा हुआ है। तो बहुत कुछ है म्यूज़ियम के अंदर देखने के लिए। अगर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा तो 10-15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। बाकी चीज़ आपने डिटेल पढ़ ली है, तो अभी हम किसी दूसरी जगह पर चलते हैं। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं सेंट पॉल कैथीड्रल, यानी कि ऐसी चर्च जिसको देख के आपकी रूह खुश हो जाएगी यार। ये मतलब चर्च कितनी सुंदर है। और अभी जिस चीज़ पे मैं बैठा हूँ, ये पूरे कोलकाता के अंदर ही चलती है। पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पे ये चलती है। मतलब है, रिक्शा पे बैठा हूँ मैं, लेकिन तो यार ये है मेरे पीछे सेंट पॉल कैथीड्रल। सनसेट हो रहा है और जो कलर आ रहा है ना इस पे, वाइट कलर पे, येलो कलर, बस पूछो मत आप कैसी लग रही है, बहुत सही लग रही है। एक ऊपर घड़ी भी है। और ये कोलकाता की सबसे बड़ी चर्च है और एशिया की पहली ऐसी कैथीड्रल है, एंग्लिकन कैथीड्रल, जो ब्रिटिश राज के अंदर बनी थी। और 1847 के अंदर 10-12 साल लगे थे इसको बनने में, लेकिन पुरानी देखो आप, 1847 के अंदर बनी थी। तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके शायद फ़ोटोग्राफी तो करने शायद अलाउ हो, लेकिन वीडियोग्राफी का कोई मैं पक्का नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। अभी काम चल रहा है भैया। ये जो चक 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 बज रहा है ना, ये मेरे रूम की बज रही है। अभी सेट है। अरे कितनी ऊंची है यार ये, लाइट वगैरह भी। शाम को अलग माहौल होता है यहाँ पे, अगर ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स बैठे हैं।
ये इसका मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, एंट्री गेट। फोटोग्राफी चली जा रही है भैया। काइंडली मेंटेन साइलेंस इनसाइड द चर्च बिल्डिंग एंड स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, नो फोटोग्राफी। ओह माय गॉड, देखा आपने सर? छोड़ो भैया छोड़ो, मैं सोच रहा था कि लाइट वगैरह जलेगी और कुछ माहौल बनेगा, लेकिन अभी तक लाइट जली नहीं है। लेकिन यार लग खूबसूरत रहा है अभी तो। ये पार्क स्ट्रीट की लाइट्स वगैरह है, इस एरिया को पार्क स्ट्रीट बोलते हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो भाई साहब लाइट वगैरह देखिए आप, मतलब तकरीबन 500 मीटर तक मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी लाइटें यार कोलकाता मतलब कुछ अलग है, मैं बोल रहा हूँ ना। क्योंकि ये लाइट वगैरह लगाई गई थी दुर्गा पूजा के अंदर, और दुर्गा पूजा निकले हुए कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, और उसके बाद में अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के बाद में ये लाइटें शायद निकाली जाए, लेकिन अभी तो बहुत सही लग रही है। यार मैंने अभी किसी से यहाँ पे पूछा कि यार बढ़िया सी बिरयानी कहाँ पे मिलती है, तो मेरी गलती ये थी कि मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तो अभी यहाँ पे कोलकाता के अंदर पान वगैरह बहुत खाते हैं, मतलब गुटका वाला। तो भाई साहब जो छोटा सा गुटके का वो जो मेरी आँखों में जाके गिरे, मतलब काफ़ी दूर बता रहा था यार, और कह रहा था कि बढ़िया टेस्टी है, लेकिन आज मेरे के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और कुछ बिरयानी वगैरह खाऊँ। खाना खाएंगे, भूख लग रही है मेरे को अंदर ना, चूहे घोड़े हाथी वगैरह सब दौड़ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ देखते हैं आसपास में ही देखते हैं। ये अभी बिरयानी पैक करा रहा हूँ, अभी रूम में जाके खाऊँगा, और मार्केट में जाने का कोई प्लान नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हिम्मत नहीं बची अभी, सुबह से घूम रहा हूँ यार मैं। तो मार्केट कल या परसों, तो बस अभी अब मैं बिरयानी खाऊंगा और फिर मैं वीडियो एडिट करूंगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।